भाई चालान कट गया बहन जो तुम्हारे चक्कर में कैमरा था और गाड़ी में हमारे एग्जॉस्ट की आवाज सुनो थोड़ी सी। फिर भाई कह रहे बालों की अजीब तेजी हो गई क्योंकि तो देसी गबरू नहीं मिला मुझे अभी तक। सारे भाई नाराज चल रहे देखे साढ़े ग्यारह गुजरों के बालों की हरकत जो गाड़ी जा रही 140-180 एकदम आया बड़ा ब्रेक और तुड़ुम गाड़ी जा रही तुड़ुम उड़ी हवा में। Hey everybody, welcome back to the channel. बहुत दिनों के बाद लोग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संडे है, जिम की छुट्टी है तो आज जा रहे सारे भाइयों से मिलने। भाइयों से मिलने और देखो पेट बिल्कुल गायब जो ढोलक जैसी दिखती थी ना गायब। तो जैसे हमने टाइगर भाई से वादा लिया है। और हाँ एक जरूरी अपडेट है हमारे देसी गबरू को लेके, जो हमारे भाई देसी गबरू से शॉपिंग कर रहे हैं उनको एक चीज बता दूं, प्रीपेड ऑर्डर्स पे 30% ऑफ है। कोड लगाना अपने RFS आर्मी और COD के ऊपर कोई कोड नहीं है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले, लेकिन बहुत दिनों से COD था, प्रीपेड हमारा चल नहीं रहा था। तो प्रीपेड ऑर्डर्स के ऊपर जब आप एडवांस पेमेंट करोगे उसके ऊपर 30% ऑफ है, कोड लगाना है आपने RFSR। तो भाई पैसा बचाओ, कोई फायदा नहीं COD का। हाँ क्योंकि COD में बहुत पंगे हो रहे हैं आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, वो मैं कभी आराम से बताऊंगा ठीक है। और कुछ भाई हमारे कह रहे भैया, कुछ भाई नहीं मतलब 100 में से 3 या 4 के मैसेज आए, सबको मजा आया। फेस वॉश के अंदर विटामिन सी है ताकि हमारी स्किन ब्राइट हो जाए और अच्छा ग्लो आए फेस के ऊपर। तो बहुत सारे भाई हमारे ऐसे जिन्होंने मुंह पे साबुन लगा के मुंह की स्किन की बैंड बजा रखी है तो उनको हल्की बहुत टिकलिंग हो रही है। अब सीधी सी बात है विटामिन सी मतलब नींबू या संतरा डेड स्किन पे लगाओगे तो हल्की सी टिकलिंग होगी, ऐसे लगेगा चीटी चल रही है। तो वो रफ स्किन पे दिक्कत रफ स्किन पे तो वो 2-4 दिन होगा, 2-4 दिन के बाद फिर आप देखोगे मजा आना शुरू हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई इचिंग नहीं होगी। बाकी जिनकी स्किन मेरे जैसी है जो धूल मिट्टी में ज्यादा नहीं जाते या जिनकी स्किन हेल्दी है जो ध्यान रखते हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो 100 में से 4 लोगों को ऐसा हो रहा है और जिनको हो रहा है वो बिल्कुल परेशान ना हो। जब आपको हो रहा है तो आप किसी और से चेक करवाए भाई, थोड़ा सा फेस वॉश तू लगाई हो, क्योंकि अगर आपको हो रही है इसका मतलब आपकी स्किन गड़बड़ है, फेस वॉश गड़बड़ नहीं। अरे हमने अखाड़े में ट्राई करवाया था। हाँ 2-3 लोगों को जैसे मिट्टी में वो करते ना कुश्ती तो वो रगड़ जाती है स्किन उनकी, तो दो भाइयों को हुई थी अखाड़े में हल्की हल्की, बाकी किसी को नहीं। तो उसको लगाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3-4 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा ठीक है। तो भाई अभी हम चल रहे हैं और लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप www.desigabru.com पे जाके डायरेक्ट शॉपिंग भी कर सकते हो। हमारे भाई का फोन आ गया, अब हम चले आपको मिलवाएं, किनसे मिलने जा रहे हैं। और भाई कसम से बहुत सही करा हमने, 4 2-सीटर नहीं ली, 4-सीटर का ये स्वाद है कि कोई और भाई भी इसमें बैठ सकता है। बीस डाइट वाला खाना मंगवा के तैयार रखना, फुल डाइट पे हूँ मैं। और मेरी चालान कट गया बहन जो तुम्हारे चक्कर में कैमरा था, कैमरे से कैसे बात करा दूंगा तुम्हारी, तुम गांडू तो ना हो, कैमरे वाले भी कटवा दोगे। तो 1.5-2 लाख के चलान हो रहे हैं मेरी सारी गाड़ियों के, सारे चलान भेज दूंगा एक अटल। तो भैया संडे हो या मंडे डाइट से चीटिंग नहीं बिल्कुल भी, और गाड़ी में हमारे एग्जॉस्ट की आवाज सुनो थोड़ी सी। अबे ना आती अब ये तो वैसे आ रही होगी ना हवा देना, हवा की आवाज। और भाई सबसे बेटर जन था कसम से 2-सीटर ना लेने का, क्योंकि इसमें ना सीटें आगे पीछे हो जाती है, 2-सीटर में बिल्कुल टेक लग जाता, 2-सीटर में मजा नहीं आता। ये बहुत सही है, इसमें पीछे सामान रख सकते हैं और भाई 2 बंदे तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं। A few moments later. तो भाई कपिल भाई रिव्यू गाड़ी का कैसी लगी? अभी भाई चला के फिर रिव्यू बताओ। बटन ये बीच वाला दबा के रखो, बीच वाला दबा के रखना। खुल जा जिम, खुल गई, दबा के रखना अभी उसके स्क्रीन पे आ जाएगी। आ जाएंगी अरे आ भाई गाड़ी में चार्जर है यार। कपिल भैया एक बार ले दे दो यार, कपिल भाई आप ड्राइवर का रिव्यू दो। यस हमारी बारी पे क्यों निकल रहा है भाई, वो दबाया नहीं था ना बटन, अंदर प्रेस करना मैंने दबाओ। ए भाई अंदर आ गया, तो भाई देखो अभी बात हो रही थी, सिनेमैटिक डाला था ना इसमें गाड़ी भगाना। हाँ तो भाई अभी बात हुई थी, देखो कपिल भाई कह रहे बालों की अजीब तेजी हो गई, क्योंकि देसी गबरू नहीं मिला मुझे अभी तक। भाई किटा भाई है ना, भाई सारे भाई नाराज चल रहे हैं, मैं तो दिया नहीं अभी तक, मैं बिना किट के ले लेता भाई गबरू के किट। नहीं भाई हमने साहब भाइयों पे अच्छे से, हम अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके, मैं डॉक्टर चॉइस के डब्बे में ले लेता। मैं कहा भाई एक बियर्ड ऑल ला देना, भाई आपको पूरी किट भिजवाएंगे ना, आपके लिए अलग प्रोडक्ट बनवाया है। तुम क्या करोगे, तुम्हारे तो बियर्ड आती है, आधे भाई कंफ्यूज है, हमारे जो बियर्ड ऑयल है वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल है, तुम क्या करोगे बियर्ड ऑयल को, तुम्हारी दाढ़ी आती है, बियर्ड शाइनर मांगो ना, शाइनर तो आपने तभी तो गलत ऑर्डर करा ना भाई, तो हमें तो गलत चीज कैसे देंगे। एक बाल नहीं हिला, 200 पे आई है गाड़ी,
हिले तो नहीं, नहीं हिले भाई, मजाक थोड़ी लगा, एक साल लगा, लगा दी, एक साल लगा है। आज भाई से मिलेंगे, चलो तुम्हारे लिए भेजेंगे, सारे भाई नाराज चल रहे भैया, कितना भेजी कितना भेजी, अब सारे भाइयों को कल मैम किट पैक करना, कल फटाफट कल नाम ढूंढ के सारे भाइयों के मंडी भाई चले टाइम देखो 11:30 अरे दिखा दिया 11:30 गुजरों के बालों की The next day. तो भाई ऐसा है, सुबह सुबह उठते ही गाड़ी का अलाइनमेंट करवाने आगे, रात क्या हुआ हमारे सरदार जी ना आए, वो उन्होंने कहा गाड़ी मैं चलाऊंगा, हम खाना खा के निकले गाड़ी, उन्होंने बैठ के ड्राइविंग झगड़ा सीन था जो उन्होंने गाड़ी भगाई है ना भाई हमारे सरदार जी ने, भगाते रहे मैं पीछे बैठा, मैंने कहा सरदार जी गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, अरे ठाकुर साहब बैठे रहो, मैंने कहा ब्रेकर, क्योंकि बहुत नीची गाड़ी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो वो ब्रेकर्स पे लग जाती है, गाजियाबाद नोएडा में देखिए जैसे ही ब्रेकर, जैसे ये ब्रेकर है ना ये वाला, इस तक पे लग जाएगी, हमारे पास सारी गाड़ी ऊंची है, हमने कभी ये ब्रेकर तो गिने ही ना गिनती में, लेकिन जब वो आता चल रहे तो पता लगता कि हाँ घर से यहाँ तक इतने ब्रेकर पड़े, घर से यहाँ तक 20 ब्रेकर पड़े, तो मैंने कहा सरदार जी ब्रेकर पे गाड़ी धीरे चलाओ, मैंने कहा बस ब्रेकर देख लेना वैसे भगा लो जितनी भगानी है, ठाकुर साहब बैठे रहो, बाहर है भाई सरदार जी गाड़ी, पांचो गाड़ी जा रही 140-180 एकदम आया बड़ा ब्रेकर, तुड़ुम गाड़ी है तो तुड़ुम उड़ी हवा में, थम से लगी, पहले आगे से फिर पीछे से, पहले आगे से लगी बंपर उसका, नीचे से सर करके आवाज आई, और मैं पीछे से देख रहा, मैं दूसरी गाड़ी में था, मैं कहीं ये क्या हुआ, एरोप्लेन बन गया एकदम से, ऐसे जैसे वो ना हो जाती है टेक ऑफ होती है फ्लाइट, ऐसे होती है वो गाड़ी लगी जमीन में, मेरे दिल में कुछ हुआ, फिर गाड़ी भगाते रहे, फिर पहुंचो, मैंने कहा सरदार जी तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो, अरे यार पाजी वो रात में कम दिखता है, मेरे को रात में तो ब्रेकर नहीं दिखते, दूसरा मेरे को ये नहीं दिखता सामने वो जो जा रहा है वो लड़का है लड़की है, मैं कहा तुम्हारी इतनी आई साइड हुई है, तुम गांड मनाने बैठे थे ड्राइविंग सीट पे, और तुम्हारा चाबी ले रहे भाई, हवाई जहाज में चलाऊंगा, हवाई जहाज में चलाऊंगा, ज्यादा गाड़ियों का पंगा ये है, इस गाड़ी का पता नहीं कब में अलाइनमेंट आउट हुआ, पता ही नहीं लगा, हम भगाते गए, एक बार टायर दिखाइए, अभी टायर डलवाए थे इसमें हमने थोड़े चौड़े टायर, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके टायर ना, आगे के पीछे कराए, पीछे के आगे, पहले टायर पीछे थे ठीक है, तो ये पीछे वाले टायर आगे हैं, देखो ये बिल्कुल तुम्हें नए लग रहे होंगे ना, और जबकि चारों टायर एक साथ डले थे ठीक है, और अब दिखाता हूँ ये आगे वाले टायर तो पीछे कराए हैं, ये देखो भाई बिल्कुल प्लेन, ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी टायर डले ही ना हो, उस दिन मैंने भाई को बताया, भाई ने तब ध्यान दिया कि गाड़ी इतनी हो रही है, मैंने कहा गंजे टायर कैसे हो गए, फिर देखा अलाइनमेंट आउट है, अब जाके इसका अलाइनमेंट करवाया, फिर जो थार है उसकी डिग्गी चुक चुक वो करो कर रही है, क्योंकि उसका टायर हैवी है तो उसने चद्दर फाड़ दी, डिग्गी की वो जो होती है शीट जो होती है जिस पहले वो अंदर से उसने वही फाड़ दी, चद्दर फाड़ दी पूरी, अब वो ठीक करवानी है, तो यार कंटेंट क्या बनाएंगे हम, तो गाड़ी ठीक करवाते रह जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई इनका, कुछ करना पड़ेगा, ये बांध के रखनी पड़ेगी, तो भाई थैंक यू सो मच, कपिल भाई ने, सरदार जी ने, कपिल भाई के बड़े भाई थे और एक दो भाई थे हमारे जो कैमरे पे नहीं आते हैं सामने, तो उन्हें तो मर्सिडीज बहुत पसंद आई यार, कह रहे भाई मजा आ गया, सबको पसंद आई, जो बहुत मजेदार है, तो भाई मजेदार तो है लेकिन मजेदार गाड़ी के लिए थैंक यू तुम सारे भाइयों का, इतना प्यार देने के लिए, सारे सपने पूरे कराने के लिए, इस लायक बनाने के लिए, तू बोल ले ना कैमरा आगे कर, तू बोल ले इस लायक बनाने के लिए, भाई थैंक यू सो मच सारे भाइयों का, व्लॉग यहीं खत्म करें, घर जाके 1-2 घंटे सो, रात में नींद आई नहीं, आधे भाई कहते भाई सोते का वो रात में मैसेज करते रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे एक्टिव देख के, भाई सो जाओ, अब जाके सोऊंगा 2-4 घंटे, फिर शाम को अपना वर्कआउट मील हमारी प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं, बढ़िया ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया दिखेगा इस बार, जल्दी दिखेगा ठीक है, चलो बाय बाय, आज का व्लॉग यहीं खत्म, और थोड़ी मोटिवेशन देते रहा करो यार व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने में बहुत आलसी इंसान हूं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।